हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी एक शायरी आने वाला है, वो शायरी आपको पसंद आए, एक भी लाइन समझ में आए, शब्द अच्छी लगे आपको, तो हमारी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है? अगर शायरी पसंद आएगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यार दोस्तों, ये शायरी खाने पीने पर है और किसान मेरे भाइयों पे है, उनसे पे। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी, और लाइक करके जाना, चैनल मेरे सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पे पहली बार आए हो तो देख कर भी जाना। बनाओ खाना उतना जितना खा सको, थाली में लो उतना खाना जितना खा सको, खाओ भर पेट। थाली में उतना ले जिससे बेकार ना जाए हमारी नाली में। कितनी सर्दी कितनी गर्मी रहती है कि कितनी गर्मी कितनी सर्दी रहती है, फिर भी वो भूखे प्यासे कितनी भी बरसात रहे, कितनी गर्मी कितनी सर्दी रहती है, कितनी बरसात कितनी धूप रहती है, फिर भी भूखे वो मेरे भाई खेत में इनको पैदा करने में लगे रहते हैं। एक बारी उनसे पूछ कर देखना कि इसे पैदा करने में क्या भाव लगती है, क्या पैसे लगते हैं, फिर आपको वह बताएंगे। समझे दोस्तों? थाली में लो उतना खा सको हम जितना, खाओ भर पेट मन, बस इतना लो बेकार ना जाए नाली में। क्योंकि एक बार उनसे पूछ कर तो देखो, कितनी गर्मी रहती है, कितनी धूप रहती है, कितनी सर्दी रहती है, चाहे कितनी बरसातें रहती है, फिर भी इसे पैदा करने में वो भाई लोग किसान लोग लगे रहते हैं अपने खेतों में। उनसे एक बारी पूछ कर देखना, क्या आपने खाना खाया? बताएंगे वो आपको कि नहीं खाया या खाया। समझे दोस्तों? वही आपको बताएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, खाओ इतना जितना खा सको दोस्तों, खाओ भर मन, खाओ पर पेट, थाली में उतना लो जितना बेकार ना जाए हमारे पूरे में। एक बार सीसीटीवी लगाने वाले से पूछना, जो ऑफिस में फैक्ट्री में घरों पे लगाते हैं, एक बार उनसे बोल के देखना कि सीसीटीवी लगाकर एक बार खेत में तो देखो, किसानों से पूछ कर तो देखो। अगर किसान भाई होंगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई।